नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं INN24। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। साइबर क्राइम मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 11 लाख रुपए निकासी मामले में तत्कालीन SBI बैंक मैनेजर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। SDOP ने PC कर मामले की जानकारी दी। साहिबगंज के बरहरवा थाना के रेलवे कॉलोनी निवासी लालधर राय, जो रिटायर्ड कर्मी हैं, SBI बैंक के खाते से दिनांक 25/11/2019 को साइबर क्राइम के तहत 11 लाख रुपए की निकासी की गई थी, जिसको लेकर बरहरवा थाना में 25/11/19 को कांड संख्या 490/19 को धारा 468 और 467 और 471, 419, 420 अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस इस केस पर अनुसंधान कर रही थी। वही मामले की आज पुलिस ने खुलासा किया और तत्कालीन बैंक मैनेजर मनोज कुमार सहित 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं SBI बैंक मैनेजर को पुलिस ने कल ही गिरफ्तार कर लिया था और उसकी निशानदेही पर आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं बरहरवा SDOP प्रदीप उरांव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि तत्कालीन बैंक मैनेजर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये बैंक मैनेजर मिली भगत से मोबाइल नंबर चेंज कर OTP से पैसा निकासी कर लिए थे। और भी जो लोग दोषी हैं उनको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। इसके आधार पर बरहरवा थाना कांड संख्या 490/19 कांड दर्ज की गया है। अनुसंधान के क्रम में तत्कालीन बैंक मैनेजर मनोज कुमार और सुनील कुमार साहब और अप्राथमिकी अभियुक्त अनवर अंसारी के विरुद्ध कांड सत पाया गया, जिसके पश्चात इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में मनोज कुमार तत्कालीन बैंक मैनेजर को विधिवत रूप से गिरफ्तारी कर उनको 28 तारीख को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। और जो अभियुक्त हैं सुनील कुमार साह और अनवर अंसारी या प्राथमिकी